अच्छा तो जनाब, कब आ रही है आपकी किताब? कौन सी किताब? अरे यार, तुम्हारी शायरी की किताब। उस मोहतरमा ने तो रेडियो पे तुम्हारी शायरी पढ़ पढ़ के तुम्हें हिट करा था, और अब तो तुम्हारी जो शायरी की किताब है उसे कोई भी पब्लिशियर आराम से छाप देगा, बल्कि हो सकता है कि तुम्हें उसकी रॉयल्टी भी मिले। यकीन मानो, पिछले 3 महीनों में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा है, जिन्होंने मेरे कहने पर भी तुम्हें कभी नहीं बुलाया था। अच्छा, तुम क्यों जेलस हो रहे हो? क्यों जल रहे हो? क्या मतलब? मैं जलूंगा? यार मुझे तो खुशी हो रही है, और तू शायद ये बात भूल रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, उसको नंबर भी मैंने ही दिया था। हाँ मुझे पता है, तुम कह रहे हो तुम्हें खुशी हो रही, लेकिन वो खुशी तुम्हारे चेहरे से नजर क्यों नहीं आ रही तारे? तुम्हारे चेहरे पे तंज है। ये तंज नहीं है, डर है। तुम दोनों की कहानी का अंजाम जो मैं देख रहा हूं, शायद तुम दोनों की नजरें नहीं देख रही। ओ यार, खुदा का वास्ता तारे, ना कर यार, तुम फिर शुरू हो गए हो। इसलिए कि तुम सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हो। कुछ होश के नाखून लो यार। अच्छा, चाय पियो। आंखों में कोई ख्वाब तो पहले कभी न था, दिल इतना बेहिजाब तो पहले कभी न था। यानी किताबे दिल में भी तरमीम हो गई, वरना ये नया बाब तो पहले कभी न था। पहले कभी न आई थी, जज्बों से महकी यूं हाथ में गुलाब तो पहले कभी न था। वो आलमे सबात न जाने कहां गया, सीने में इस तराब तो पहले कभी न था। जज्बात के दरिया में तलाजम तो देखिए, चाहत का ये सैलाब तो पहले कभी न था। दिल डूबने को है मेरा, आंखों में नमी है, मैं इतना जेरे आब तो पहले कभी न था। आकर जकड़ लिया है क्यों इश्क ने मुझे, ये खाना खराब पहले कभी न था। अब तो हर एक बात ए अरसल है शायरी, शायर का ये जवाब तो पहले कभी न था। ये लाल सा गुलाब तो पहले कभी ना था।